देखिए अच्छे से इन स्लैब पे वाटर अप्लाई किया जा रहा है स्ट्रेट लाइनिंग में, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी। आप पॉलिशिंग देख सकते हो, सिर्फ वाटर अप्लाई किया हुआ है तो भी पॉलिशिंग वाला लुक आ रहा है। अभी ये मार्बल फ्लोरिंग में लगने के बाद कैसा लगेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखें। वेलकम टू गीला मार्बल्स, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मकराना व्हाइट चक डूंगरी मार्बल की बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी दिखाऊंगा और पूरा एक ही पैटर्न का एक ही कलर का लोड दिखाऊंगा। देखिए पूरी बॉक्स पैक स्लैब है और मकराना चक डूंगरी मार्बल की फर्स्ट क्वालिटी, इससे ऊपर फिर मकराना चक डूंगरी मार्बल में कोई भी क्वालिटी नहीं आती और पूरा एक ही कलर एक ही पैटर्न का लोड है, आप देख सकते हो। और ये हमारा गोडाउन है, देखिए फुल स्टॉक अवेलेबल है और मकराना मार्बल की हर एक क्वालिटी अवेलेबल है। अभी मैं आपको मकराना मार्बल की और क्वालिटी भी दिखाऊंगा और उनका प्राइस भी बताऊंगा और ये मार्बल फ्लोरिंग में लगने के बाद कैसा लगेगा वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जैसे ये फर्स्ट लेयर फ्लोरिंग में लगने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। अभी रफली ये पॉलिशिंग के बाद लुक ग्लेज और सुपर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लैब का लुक इस तरीके से आएगा जब लाइन टू लाइन मैच होकर अच्छे से फ्लोरिंग में लगेगी। देखिए पूरी बॉक्स पैक स्लैब है और सभी पीस का मेजरमेंट लगभग एक ही होने वाला है क्योंकि रिकवरी 95 प्लस रहने वाली है। इतनी रिकवरी मकराना चक डूंगरी मार्बल में बहुत ही कम आती है और ग्लेज देखिए, और मकराना चक डूंगरी मार्बल की ओल्ड माइंस का मार्बल है, सबसे पुरानी माइंस का मेटेरियल है। देखिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी। अभी कुछ और स्लैब भी दिखाऊंगा और इन पर अच्छे से वाटर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। देखिए काफ़ी अच्छी वाइटनेस है, अच्छे से मैं आपको वाटर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ इन स्लैब पे। देखिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है और इस पर अल्बेटा से भी ज़्यादा पॉलिशिंग आएगी। क्यों? क्योंकि अल्बेटा क्रिस्टल है वो बड़ा आता है और लाइनिंग क्लियर नहीं आती कभी भी, और इसकी लाइनिंग देख सकते हो बिल्कुल क्लियर लाइनिंग है और बिल्कुल बारीक क्रिस्टल है, तो भी सिर्फ वाटर अप्लाई किया हुआ तो भी पॉलिशिंग वाला लुक आ रहा है, तो पॉलिशिंग होगी तो इस पर लुक बहुत ही सुपर आएगा। देखिए और फर्स्ट टू एंड बिल्कुल सिमिलर लाइनिंग रहने वाली और पूरा एक ही कलर का लोट है। देखिए अभी मैं आपको कुछ और स्लैब भी दिखाता हूँ और मकराना चक डूंगरी मार्बल की प्राइस की बात करें तो मकराना चक डूंगरी मार्बल की प्राइस 130 रुपीज़ से स्टार्ट है और अगर आपको ये स्लैब परचेज करनी हो तो आपको 200 अबव की रेंज में जाना पड़ेगा, और अगर आपका बजट कम है तो आप मेन एरिया में स्लैब लगा सकते हो, रूम्स वगैरह में इसी के कट पीस लगा सकते हो, या फिर अगर आपका बजट 200 से कम है आप स्लैब लगाना चाहते हो तो इन्हीं की आप छोटी स्लैब लगा सकते हो, या फिर एक क्वालिटी और दिखाऊंगा और उसका भी प्राइस बताऊंगा, उसकी प्राइस अंडर 100 की रेट में रहने वाली है। देखिए देखिए और कस्टमर भी काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में मकराना में एक केस आया है कि कुछ शॉपकीपर ने बाहर के पत्थर को मकराने का करके सेल कर दिया और वो कस्टमर काफ़ी हिम्मत का काम किया, उन्होंने एसोसिएशन में कंप्लेन की और वो पत्थर वापस लेके उस शॉपकीपर पे केस भी हो गया, फिर उनको जितना पेमेंट बना उतना रिटर्न करना पड़ा और 1 लाख रुपए का फाइन भी लगा, तो कस्टमर काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और अवेयर भी रहना चाहिए कस्टमर को, बिल्कुल हर चीज़ का कस्टमर को नॉलेज होना चाहिए क्योंकि मार्बल फ्लोरिंग में सिर्फ एक बार लगता है। तो देखिए ये भी पूरा एक ही कलर का लोट है और अभी मैं आपको कुछ और स्लैब भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखें। अगर आपका बजट 100 रुपये से कम है तो मैं आपको 100 रुपये से कम की क्वालिटी भी दिखाऊंगा, 101% फ्रेश और मकराना की ही क्वालिटी मिलेगी। देखिए ये मकराना वाइट माता भरे और स्ट्रेट लाइनिंग में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, इनकी प्राइस अंडर 100 की रेट में रहने वाली है। देखिए तो अगर आपको हमारा मार्बल पसंद आया हो परचेज़ करना हो तो मेरे नंबर शोर है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।